जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा आज यूनिट 2 का हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, और इस लास्ट लेक्चर को हम पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो कई सारे हमारे प्रिंसिपल कम्प्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट के साथ गोइंग, अकाउंटिंग पीरियड, ऑब्जेक्टिविटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिव, कंसिस्टेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग, रेवेन्यू, डबल और कॉस्ट, ये सारे प्रिंसिपल हमारे क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। तो इन सारे प्रिंसिपल को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देखें, पढ़ें, और उससे आपको ये पता चल पाएगा कि इनमें क्या क्या पॉइंट आपका कवर किया गया है। तो चलिए फिर फटाफट अपनी क्लास को आगे क्या करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेटा अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में मैं आपको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को समझा रहा था, और मैंने आपको ये बताया था कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आपके दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होते हैं। एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्या, क्रेडिट। और डेबिट आपका आया कहाँ से है, डेबिटम से आया है, और क्रेडिट आपका कहाँ से आया है, क्रेडिटम से आया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर करा दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे कि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होता है, एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, डेबिट होता है। बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ मैंने आपको एक छोटा सा इक्वेशन समझाया था, और ये इक्वेशन क्या था कि अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल और लाइबिलिटी में से कुछ ना कुछ जरूर इंक्रीज होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो कैपिटल और लाइबिलिटी में से कुछ ना कुछ जरूर डिक्रीज होगा, और अगर सेम टाइम में एसेट्स इंक्रीज भी हो रही है या सेम टाइम में आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो आपके कैपिटल और एसेट्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको एसेट्स के पॉइंट पे समझा दिया पॉइंट, ये तो मैंने किसके पॉइंट पे समझा दिया था आपको, एसेट्स के पॉइंट पे समझा दिया था। अगर आप इसको लाइबिलिटी और कैपिटल के पॉइंट पे समझना चाहते हैं तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, खाली आप इसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। मतलब क्या है कि अगर आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एसेट्स ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका एसेट्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर उसी के बाद अगर एक ही समय में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एक ही समय में कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपके एसेट्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है, अब अगर हम इसको लाइबिलिटी के आधार पर समझें, अगर हम किसके आधार पर समझें, लाइबिलिटी के आधार पर समझें, तो अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी एसेट्स भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो आपकी एसेट्स भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। और एक ही समय में आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और अगर डिक्रीज हो रही है तो आपके एसेट्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी नो चेंज। बात क्लियर हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई। तो ये रूल आपको याद रखना है, क्योंकि ये रूल आप यूज करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम क्या है आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन। इस रूल का जो अप्लीकेबिलिटी है, इस रूल को जो हम यूज करेंगे, वो किस चैप्टर में यूज करेंगे, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। या आप ये भी समझ लीजिए कि इसी रूल के बेस पर आपका डबल एंट्री वाले रूल पे आपका जर्नल एंट्री भी बनाया जाता है, लेजर भी तैयार किया जाता है, ट्रायल भी तैयार किया जाता है, ट्रायल के साथ साथ आपका फाइनल अकाउंट भी क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी ये जो प्रिंसिपल है, डबल एंट्री प्रिंसिपल या डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये आपके रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब इसके बिना आप ना तो रिकॉर्डिंग करेंगे,
ना क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, ना ही आप क्या कर पाएंगे, समराइजेशन कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए तो अब देखिए, आपकी किताबों में कुछ पॉइंट और लिखा था, कहता है डिक्रीज वन एसेट्स एंड इंक्रीज द अनदर एसेट्स। ये ऑलरेडी हो चुका था, डिक्रीज वन एसेट्स एंड इंक्रीज द अनदर एसेट्स, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक एग्जांपल है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कहने का मतलब कैश डिपॉजिट मतलब कैश बैलेंस घट गया और बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक ही समय में एसेट्स बढ़ भी रही है और एक ही समय में आपकी एसेट्स क्या हो रही है, घट भी रही है। तो क्या कैपिटल और लाइबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? क्या कैपिटल और लाइबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आंसर है नहीं पड़ेगा सर। एक पॉइंट चौथा है, कहता है इंक्रीज वन एसेट्स डिक्रीज द लाइबिलिटी, सॉरी डिक्रीज द वन एसेट्स एंड डिक्रीज द लाइबिलिटी। मतलब अब देखिए इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन क्या था कि अगर एसेट्स घट रही है, ये वाला पॉइंट देखिए, अगर एसेट्स घट रही है तो कैपिटल या लाइबिलिटी में से कोई ना कोई क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपने बैंक लोन लिया था, आपने क्या लिया था, बैंक लोन लिया था, उसका आपने पेमेंट कर दिया। तो अगर आपने बैंक लोन लेकर पेमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया, घट गया। और जो आपके लोन नाम की लायबिलिटी थी वो भी तो घट गई कि नहीं घट गई, वो लायबिलिटी भी क्या हो गई बच्चे, घट गई। बात क्लियर हो गया? फिर अगला पॉइंट कहता है इंक्रीज लायबिलिटी एंड डिक्रीज द अनदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी बढ़ी, दूसरी लायबिलिटी घट गई, एक लायबिलिटी बढ़ी और दूसरी लायबिलिटी क्या हो गई, घट गई। देखो इसका भी इफेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर सेम टाइम में लायबिलिटी आपकी बढ़ भी रही है और लायबिलिटी क्या हो रही है, माफ करिएगा ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, सेम टाइम में लायबिलिटी बढ़ भी रही है और लायबिलिटी क्या हो रही है, घट भी रही है, क्या उसका इफेक्ट क्या आपके एसेट्स पे पड़ेगा? उसका कोई भी इफेक्ट आपकी एसेट्स पे नहीं पड़ेगा, उसका कोई भी एसेट्स आपकी लायबिलिटी एसेट्स पे नहीं पड़ेगा। जैसे 12% का डिवेंचर था, ध्यान से सुनो, 12% का क्या था, डिवेंचर था, अब कन्वर्ट होके वो 15% में हो गया है। तो मतलब पहले डिवेंचर कितने परसेंट का था, अब कितने का हो गया, मतलब 12% वाला घटा और 15% वाला क्या हो गया, सेम टाइम में एसिड्स बढ़ भी रही है और सेम टाइम में एसिड्स क्या हो रही है, घट भी रही है। तो क्या उसका प्रभाव एसिड्स पे पड़ेगा? नो सर, उसका प्रभाव आपके एसिड्स पे नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो गई बेटा? अगला पॉइंट कहता है इंक्रीज द लाइबिलिटी इंक्रीज द एसेट्स, इंक्रीज द लाइबिलिटी इंक्रीज द क्या आपका, एसेट्स। ये वाला पॉइंट देखिए, इंक्रीज द लाइबिलिटी इंक्रीज द एसेट्स, डिक्रीज द लाइबिलिटी डिक्रीज द एसेट्स। मतलब आपने बैंक से लोन ले लिया, एग्जाम्पल से समझो, आपने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से क्या लिया, लोन लिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, और बैंक बैलेंस बढ़ा तो लोन नाम की लायबिलिटी भी तो बढ़ गई, लोन नाम की क्या बढ़ गई, लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। बात क्लियर हो गया बेटा? अगला पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। यही वाला कॉन्सेप्ट है, बस इसको क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। कौन सा, ये वाला। बात क्लियर हो गई बेटा? अगला पॉइंट डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन एसेट्स, ये वाला जो पॉइंट था इसको भी यहां पे क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रिवर्स। तो आप ये मान के चलिए बेटा कि अगर एक साइड डिफेक्ट कर रही है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या कर जाएगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आ गया, ये डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक, चलिए फिर अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी। इसको हम लोग कहते हैं बेटा निरंतरता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निरंतरता। देखो एक बात बताओ, ये कंसिस्टेंसी है क्या बेटा? कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो आप प्रिंसिपल या जो आप रूल, जो आप पॉलिसी, जो आप मेथड या जो आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं,
उसको आपको क्या करते रहना है, कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, उसको आपको क्या करते रहना है, कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। और कंटिन्यू फॉलो करने का मतलब क्या है, ईयर बाई ईयर, कंटिन्यू फॉलो करने का मतलब क्या है आपका, ईयर बाई ईयर। क्योंकि अगर आप ईयर बाई ईयर फॉलो करेंगे तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए आप हर हफ्ते टेस्ट देते हैं, हर हफ्ते क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो अगर आप हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं तो पहले टेस्ट में आपने कितना पाया, दूसरे टेस्ट में कितना पाया, तीसरे टेस्ट में कितना पाया, तो इसको इसको आप कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि पहला टेस्ट आपने दिया, दूसरा टेस्ट आपने छोड़ दिया, तीसरा टेस्ट आपने छोड़ दिया, फिर चौथा टेस्ट आपने दे दिया, क्या कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा? कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप कर तो लेंगे लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं पता कर पाएंगे कि दूसरे में हम क्या थे, तीसरे में हम क्या थे। तो कंसिस्टेंसी जो पॉलिसी प्रिंसिपल होता है वो कहता क्या है कि भाई साहब जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको हम वन ईयर टू अनदर ईयर कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट फॉर्म में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आप हर दिन अगर क्लास लेते हैं तो आपको हर दिन का नॉलेज रहेगा, लेकिन अगर आप किसी दिन क्लास ना आए तो अगली क्लास लेने में आपको समस्या होगी कि नहीं होगी, अगली क्लास लेने में समस्या होगी ना। और सोचो आज आप सीए की क्लास ले रहे हो, कल आप नीट की क्लास लेने लगो, परसों आप एनम की क्लास लेने लगो, परसों आप जेनम, उसके अगले अगले दिन जेनम की क्लास ले पाओ लेने लगो, तो बेटा ना आप सीए के रहोगे, ना नीट के रहोगे, ना एनम और जेनम के रहोगे। यानी अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कंटिन्यू फॉर्म में मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा, एक दिन 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता। होता क्या है, जब आप 10 दिन एक एक घंटा कंटिन्यूअस पढ़ो, आप 10 दिन एक एक घंटा ही पढ़ो तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ने का। समझ में आया बेटा? तो यही कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि सर जो पॉलिसी बनाई गई है, जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जो मेथड अडॉप्ट किए गए हैं, क्या बोला मैंने, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो पॉलिसी क्या की गई है, बनाई गई है, जो मेथड आपके अडॉप्ट किए गए हैं, जो प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो अजम्पशन आप फॉलो कर रहे हैं, उनको आप ईयर बाय ईयर क्या करते रहिए, फॉलो कराते रहिए। ईयर बाय ईयर उनको आप क्या करते रहिए बेटा, फॉलो करते रहिए। बात क्लियर हो गई? अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ, मान लीजिए हमने एक प्रिंसिपल फॉलो किया, फिर अगली बार कोई दूसरा प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, तो पहले वाले प्रिंसिपल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें सेकंड वाले में मिला, तो हम क्या करें, पहले वाले पे रहें या दूसरे वाले पे रहें? तो बेटा आंसर क्या है, दूसरा वाला। यानी आप अपने प्रिंसिपल को, अपने पॉलिसी को चेंज कर सकते हो, अपने प्रिंसिपल अपने पॉलिसी को क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन में। कितनी कंडीशन में? 3 कंडीशन में। वो पहली कंडीशन क्या है कि आप देखिए क्या लिखा है, पहली कंडीशन क्या है कि जब आपका लॉ उस प्रिंसिपल को चेंज करने की परमिशन दे दे, जब आपका लॉ उस पॉलिसी को चेंज करने की क्या दे दे, परमिशन ले ले, यानी लॉ ही चेंज हो जाए। तो अगर लॉ चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक हमें अपनी पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे सरकार ने कहा कि 2000 की नोट बंद, तो जो पेमेंट हम 2000 में करने वाले थे, अब वो पेमेंट क्या हम 2000 में करेंगे, कब हम 500 में करेंगे, 500 में। यानी पहले मेरी पॉलिसी थी कि मैं 2000 में पेमेंट करूंगा, अब लॉ ने ही चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक अब मुझे भी अपनी पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। सरकार कहती है कि 50,000 से ज्यादा अगर आप बैंक में एक बार में जमा करते हो तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। अब मेरी पॉलिसी क्या थी कि पहले मैं 1-1 लाख रुपया जमा कर देता था बिना पैन कार्ड के, लेकिन जैसे ही सरकार ने ये नियम लगाया तो मुझे भी अब पैन कार्ड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यानी पहले मैं पैन कार्ड देने देता नहीं था, मेरी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने कहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर लॉ कहता है तो आपको अपनी पॉलिसी, अपने प्रिंसिपल, अपने मेथड, अपने अजम्पशन
चेंज करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि बेटा अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाए, हमारा क्या चेंज हो जाए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेटा ICAI के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। मतलब जैसे आप पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेथड पढ़ रहे हैं, जैसे आप अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आपके स्टैंडर्ड इशू किया है, जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। 1 से लेकर 29 स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। 1 से लेकर कितने हैं बेटा? 29 हैं। अब उनमें से अगर ICAI ने कोई स्टैंडर्ड हटा दिया तो ऑटोमेटिक जो स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे थे, अब वो स्टैंडर्ड हमें ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि नहीं चेंज करना पड़ेगा? वो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी पहला कंडीशन क्या है सर? जब लॉक चेंज हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या है? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। और तीसरा कंडीशन, जब रिजल्ट ज्यादा अच्छा आने लगे। जब रिजल्ट क्या होने लगे बेटा? ज्यादा अच्छा आने लगे, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू ज्यादा आने लगे। बात क्लियर हो गई बेटा? जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होने लगे? ज्यादा अच्छी आने लगे। बात क्लियर हो गई? नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये तीनों कंडीशन समझ में आ गए? देखिए एक बार पढ़ लीजिए। इन ऑर्डर टू अचीव द कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू अचीव द कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस थ्रू द टाइम ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड कंसिस्टेंसली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड ओनली इन द सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यानी आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन तीन कंडीशन में, इन तीन कंडीशन में। बात क्लियर हो गई बेटा? आगे एग्जांपल लिखा है कि पहले आप SLM मेथड फॉलो करते थे, अब आप WDB मेथड फॉलो करते हैं। तो जहां पे ज्यादा रिजल्ट अच्छा है वहीं को आप क्या करिए, फॉलो करिए। बात क्लियर हो गई बेटा? तो आपका ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है सर हमारा? नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बेटा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। लेकिन मेटेरियलिटी प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको एक और प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है आपका? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या नाम है आपका बेटा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सर ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? देखो जो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है और जो आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आप ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, उसको आप सेपरेटली दिखाइए अपनी किताबों में। उसको आप क्या दिखाइए बेटा? सेपरेटली दिखाइए अपनी किताबों में। यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज द शो सेपरेटली फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट। बट मेटेरियलिटी क्या कहता है? मेटेरियलिटी कहता है मालिक जो ट्रांजेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो ट्रांजेक्शन आपके लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, उनको ही सिर्फ आप अपनी किताबों में दिखाइए। उनको ही सिर्फ आप अपनी किताबों में क्या करिए, दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, एग्जाम्पल से समझो, आप एक क्या हैं, बिजनेसमैन हैं। तो आप ऑफिस में बैठे थे, आपके सामने 4-5 क्लाइंट आए। अब आपने उन क्लाइंट के लिए समोसा चाय का ऑर्डर कर दिया, खर्चा आया मान लीजिए 50 रुपया। खर्चा आया कितना रुपया? 50 रुपया। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि सर इस 50 रुपये को भी आप अपनी किताबों में सेपरेट दिखाइए। इस 50 रुपये को भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाइए, सेपरेट दिखाइए। लेकिन मेटेरियलिटी कहता है कि आप ये जो 50 रुपया है इसको सेपरेट मत दिखाइए, बल्कि आप इसको एक जर्नल एक्सपेंस नाम का बॉक्स बना दीजिए, आप उसमें दिखा दीजिए। फिर आप उसमें क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए।
यानी यहां पर आप टी एंड कॉफी के नाम से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अगर आपने टी और कॉफी लिखा है तो अगले दिन हो सकता है ब्रेकफास्ट का भी आप खर्चा दें, हो सकता है अगले दिन आपको लंच का भी खर्चा देना पड़े। तो इन फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि इन सबको आप सेपरेट फॉर्म में दिखाइए, टी एक्सपेंस, कॉफी एक्सपेंस, ब्रेकफास्ट एक्सपेंस, लंच एक्सपेंस। लेकिन मटेरियलिटी क्या कहता है, इन सबको आप एक सेपरेट अकाउंट में पोस्ट कर दीजिए, नाम क्या रख दीजिए, जर्नल एक्सपेंस, उसमें आप सब दिखाइए, जिसे कहते हैं सामान्य खर्चा। क्या कहते हैं, सामान्य खर्चा। एक और एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए आप एक 500 करोड़ की कंपनी है, आपकी कंपनी साल भर में कितना करोड़ कमाती है, 500 करोड़ कमाती है, ठीक है, आप उस कंपनी के मालिक हैं। आप रास्ते से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते से आपका 1,000 रुपया गिर गया कहीं पे, आपका कितना रुपया गिर गया, 1,000 रुपया गिर गया। अब बताइए, आप ठहरे 500 करोड़ के मालिक, क्या आप उस पैसे के लिए इंतजार करेंगे या आगे बढ़ जाएंगे? पक्का? कितने लोग कहते हैं कि सर हम रुकेंगे, 500 खोजेंगे, आधा एक घंटा इधर उधर देखेंगे, कोई नहीं करेगा। लेकिन सोचो अगर आपकी जेब में सिर्फ 500 रुपया पड़ा हो और उस 500 में से 50 रुपया गिर जाए, अब बताओ, 500 में से अब 50 रुपया गिर जाए, अब बताओ खोजोगे कि नहीं खोजोगे? अब आप खोजोगे। यानी जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है वो बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा हो, या चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या हो, लार्ज हो। लेकिन जो मटेरियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, मिडिल साइज ऑर्गेनाइजेशन या फिर लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी संस्था, 1,000 करोड़ वाली, और मिडिल मतलब वही 500-600 करोड़ वाली, या आपका 2-3-4 करोड़ वाली, मिडिल साइज। जैसे नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, तो फुल डिस्क्लोजर सबके लिए है, सोल के लिए भी है, पार्टनरशिप के लिए है, कंपनी के लिए भी है। लेकिन मटेरियलिटी सिर्फ किसके लिए है, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए है, ऐसे समझो एग्जांपल से। बात समझ में आ गई? यानी मटेरियलिटी कहता है कि सिर्फ जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है, या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो सब होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिलेवेंट है, उनको आप दिखाओ, और जो थोड़े से अनरिलेवेंट हैं उनको इग्नोर करो, इनको क्या करो, इग्नोर करो। जैसे आप किसी बैगर को अगर 5 रुपये दे रहे हैं पैसा, तो क्या उसको आप अपनी कॉपी में दिखाएंगे, क्या उसको आप अपनी कॉपी में दिखाएंगे, 5 रुपये अगर आपने अपने बैगर को दिया, नहीं दिखाओगे ना। लेकिन अगर किसी को 500 रुपये दिया तो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, फिर आप दिखाओगे। यही कॉन्सेप्ट है आपका मटेरियलिटी का, और किसका, आपका फुल डिस्क्लोजर का। आइए पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है आपका। कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट अदर कॉन्सेप्ट टू बी द इग्नोर्ड इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसीडर मटेरियली। यानी अगर इफेक्ट मटेरियल नहीं है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल मतलब क्या आपका, इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब सामग्री मत समझिएगा, पहले बता रहा हूं, मटेरियल का मतलब यहां किससे लिया गया है, इंपॉर्टेंट से लिया गया है, किससे लिया गया है, इंपॉर्टेंट से लिया गया है। बात क्लियर हो गई? जैसे मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं, मेरे पास 2 लोगों का अगर फोन आता है तो मैं फोन उठा लेता हूं, एक मम्मी का फोन आया तो उठा लूंगा, और या अगर आपकी मैम का फोन आया तो उठा लूंगा, इन्हीं 2 लोगों का फोन उठाता हूं। बाकी लाइव क्लास में अगर फोन आ रहा है, कई बार आ रहा है, जैसे 1-2 बार आया तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर 4-5 बार आया तो भले उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मम्मी की घंटी आएगी, लाइव क्लास में रहूंगा, तुरंत फोन उठा लूंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए आगे देखेंगे। कहता है दिस प्रिंसिपल इज अ एक्सेप्शनल ऑफ द क्या, फुल डिस्क्लोजर
प्रिंसिपल, मैंने क्या कहा था, फुल डिस्क्लोजर, जहां लगेगा वहां मटेरियलिटी नहीं लगेगा, और जहां मटेरियलिटी लगेगा वहां फुल डिस्क्लोजर नहीं लगेगा। बात क्लियर हो गई बेटा। फिर आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल द आइटम हैविंग द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइजेस शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनी इनसिग्निफिकेंट शब्द क्या लिखा है बेटा, इनसिग्निफिकेंट। देखो सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम है, इनसिग्निफिकेंट आइटम है, ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट बट विल नॉट बी द रेलेवेंट टू द यूजर शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात क्लियर हो गई बेटा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे द टर्म्स ऑफ द मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म्स, द टर्म्स ऑफ द मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म्स, इट इज ऑन द जजमेंट कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकाउंटेंट दैट विच आइटम इज अ मटेरियल एंड विच आइटम इज अ नॉट मटेरियल। यानी ये जो मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ये जो आपका किसका कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये अकाउंटेंट के जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये अकाउंटेंट के किस पे डिपेंड करता है बेटा, जजमेंट पे डिपेंड करता है, अकाउंटेंट के कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि वो किसको मटेरियल रख रहा है और किसको मटेरियल नहीं रख रहा है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखेंगे द मटेरियलिटी डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम बट ऑल्सो अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस नेचर एंड लेवल ऑफ द इंफॉर्मेशन लेवल ऑफ द पर्सन मेकिंग द डिसीजन ईटीसी। यानी जो आपका मटेरियलिटी है वो सिर्फ अमाउंट ऑफ आइटम पे नहीं डिपेंड करेगा बल्कि साइज ऑफ आइटम, साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा। यानी जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपके मटेरियल का जो क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई पहले जब मैं छोटा था तो मेरे लिए 5 रुपए भी बहुत ज्यादा थे, 50 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। आज मैं बड़ा हूं तो मेरे लिए 5 रुपए 50 रुपए के ज्यादा वैल्यू नहीं है एज अ कंपेयर टू जब मैं छोटा था। उस समय 2 रुपए मिल जाता मतलब समझ लो दुनिया जीत लेता मैं, 1 रुपए मिल जाता तो समझ लो मजा आ गया। लेकिन आज 1-2 रुपए मिल जाए तो आग लग जाएगी शरीर में, है तरीके 1 रुपया मिल रहा है। जैसे नानी मामा के यहाँ घर अगर आप गए हैं तो लौटते समय पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता, मुझे मिलता है। मैं आपको बताऊं, मैं और मेरे भैया दोनों लोग गए थे, भैया को 10 रुपया मिला और मुझे सिर्फ 1 रुपया मिला। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो 1 रुपया नानी के मुंह पे बहा दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए आपका पैसा। अरे देना है तो बराबर दो, नहीं तो दो ही ना। चलो आगे आगे देखो, समझ में आ गया। चलिए बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर जिसका नाम है आपका फाइनल अकाउंट। एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है आपका बेटा, फाइनल अकाउंट। वहां पे हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, और साथ ही साथ हम इसके फीचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर क्या हैं। वैसे बेसिकली 4 फीचर हैं इसके। सबसे पहला फीचर क्या है आपका, अंडरस्टैंडेबिलिटी। सबसे पहला फीचर क्या है आपका, अंडरस्टैंडेबिलिटी। दूसरा फीचर क्या है आपका, रेलेवेंस। तीसरा फीचर क्या है आपका, रिलायबिलिटी। और चौथा फीचर आपका क्या है, कंप्लीटनेस। ठीक है, चलो 2 मिनट के अंदर अंदर इसको समझ लेते हैं, बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी हम उसे फाइनल अकाउंट में समझेंगे, ठीक है बेटा। देखिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। किसको फाइंड कर सकते हैं बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, यानी आप अपनी वित्तीय स्थिति को पता कर सकते हैं। और इस फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा।
आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बैलेंस शीट को बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। यानी अगर आप डायरेक्ट ये सोचो कि हम बैलेंस शीट बना लेंगे तो बेटा आप कोई शक्तिमान नहीं है, या आप कोई स्पाइडरमैन नहीं है कि मकड़ा फेंके और काम हो गया। आप अकाउंटेंट हैं और आपको हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। इट इज अ हेल्प विद द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जब आप पाओगे तो बैलेंस शीट में सीधी सी बात है आपको फिर से उन्हीं दो पक्षों को आमने सामने रखना पड़ेगा। और वो पक्ष क्या है, एक आपका हो गया लाइबिलिटी साइड, एक हो गया आपका क्या लाइबिलिटी साइड, और दूसरा आपका क्या हो गया एसेट साइड। और लाइबिलिटी में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक आपको कैपिटल देखने को मिलेगा और एक आपको खुद की क्या देखने को मिलेगी, लाइबिलिटी देखने को मिलेगी। ये दोनों, ये साइड लेफ्ट और राइट जब बराबर रहेगा तब ही आप ये कह सकते हो कि हाँ सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बैलेंस शीट क्या है, सही बनी है। बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, इसमें क्या ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो आपके लिए यूजफुल हो? तो बेटा चार विशेषताएं होनी चाहिए या चार फीचर होने चाहिए, जिनमें सबसे पहला फीचर आपका क्या है कि सर जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो आपके अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। हमारे क्या होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। अंडरस्टैंडेबल मतलब भाई आप यूजर हैं, आप क्या हैं, यूजर हैं। यूजर मतलब भाई एक चीज देखिए, अगर अकाउंटेंट की हम बात करें तो अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है ना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा आपका, कम्युनिकेट किया जाता है किसको, या तो इंटरनल यूजर को या तो किसको, एक्सटर्नल यूजर को। तो आप जिसको डाटा भेज रहे हो, आप जिसको क्या कर रहे हो, डाटा भेज रहे हो, अगर उसके समझ में ही वो डाटा ना आए तो जरा बताइए क्या उसके लिए वो यूजफुल रहेगा, क्या वो उस डाटा के बेस पे डिसीजन ले पाएगा? आंसर है नहीं ले पाएगा। बात क्लियर हो रही है बेटा? अब जैसे मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हो, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश वाली मूवी देख रहे हो, कितनी देर देख लोगे, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, फिर कहोगे भाग बन कर यार एका, सही है कि नहीं है? और मान लो तमिल वाली देख रहे हो, उंदरू पुंदरू है, उसमें तो कहोगे बस करो यार क्या बोल रहा है पता नहीं, सही है कि नहीं है? तो सीधी बात है, आप जिसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो, उसको वो चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है बेटा, दूसरा पॉइंट आपका कहता है रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब क्या होता है, रिलेटेड। रेलेवेंस मतलब क्या होता है आपका, रिलेटेड। भाई आप एक्सटर्नल यूजर हैं, मान लीजिए आप, मान लीजिए गवर्नमेंट हैं, आप क्या हैं, गवर्नमेंट हैं, तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से रिलेटेड आप डाटा देंगे ना भाई। गवर्नमेंट से रिलेटेड डाटा क्या होगा, गवर्नमेंट को आप डाटा कौन कौन सा दोगे, एक तो टैक्स का डाटा दे सकते हो आप, एक आप इंप्लॉई के ईपीएफ का डाटा दे सकते हो आप, ठीक है, ईपीएस का डाटा दे सकते हो आप, पीएफ का डाटा दे सकते हो आप, ग्रेजुटी का डाटा दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये डाटा दो ना, आप ये डाटा दो, मतलब जो यूजर आपसे डाटा जो मांगे आप उसको वो डाटा दो। आप मेरी क्लास में अगर बैठे हो, मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मैं आपको अकाउंट ही पढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा।
अब सोचो कि आप बायो के स्टूडेंट हो और मैं जबरदस्ती आपको चल आज तुझे अकाउंट पढ़ाता हूँ, चल तुझे आज डेबिट और क्रेडिट सिखाता हूँ, वो कहेगा मालिक क्या है ये, सही है कि नहीं है। तो यानी उससे डाटा रिलेटेड होना चाहिए, यानी रेलेवेंस होना चाहिए। बात क्लियर हो गई बेटा? अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, अगला पॉइंट आपका कहता है रिलायबिलिटी, यानी विश्वास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है विद द प्रिंसिपल बनाया है, विद द रूल एंड रेगुलेशन बनाया है, विद द स्टैंडर्ड बनाया है, तो लोग उस पर विश्वास भी तो करेंगे, लोग उस पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। मैं आपको एक तो बात बताता हूं, अभी एक दो साल पहले आपके जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने एक तो रूल निकाला था। रूल क्या था कि जो बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं, जो बच्चे कहाँ हैं, स्कूल ड्रेस में हैं, वो किसी भी पार्क में नहीं जा सकते, वो किसी भी होटल में नहीं जा सकते, और अगर जाते हैं तो उनको एंट्री देने वाला स्कूल या पार्क फाइन देगा। अब सोचो यूपी गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों बनाया, यूपी गवर्नमेंट ने इसलिए रूल बनाया क्योंकि बच्चे ड्रेस पहन लिए, अब मम्मी पापा तो सोच रहे हैं कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, मम्मी पापा सोचे कि अरे लड़का हमारा, बच्ची हमारी स्कूल जा रही है, लेकिन बच्चा बच्ची राम जाने कहाँ जा रहे हैं, कहीं पार्क में है, कभी होटल में है। तो इससे बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, जो नॉलेज है, वो बढ़ी कि घटी, घटी। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे बताए हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और बच्चे बाइक लेकर कहीं गए और हो गया उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक सिचुएशन आई है। तो सरकार को ना चाहते हुए ये रूल अप्लीकेबल करना पड़ा। बात समझ में आ गई? अब जैसे आप लोग अपने घर पे कहते हो कि मम्मी मेरे को मोबाइल दे दो, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ के आइंस्टाइन बन जाऊंगा, मैं पढ़ के सीए बन जाऊंगा। मम्मी भी खुश हो गई, करे वाह, पढ़ाई की पैसा, पढ़ाई का पैसा बच गया, अब लड़का हमारा मोबाइल से पढ़ेगा, बच्ची हमारा मोबाइल से पढ़ेगी, लेकिन राम जाने बच्चा बच्ची क्या कर रहे हैं, मोबाइल आते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद फेसबुक पे अकाउंट बनता है, बचा कुचा स्नैपचैट वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, यानी रिलेटेड, रिलायबिलिटी, विश्वास, डाटा जो आप दे रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। और लास्ट है कंप्लीटनेस, जो डाटा आप दें कंप्लीट दीजिए, जो डाटा आप दीजिए क्या दीजिए, कंप्लीट दीजिए। जैसे एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, एक स्टेटमेंट है, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैंने ये स्टेटमेंट दी और उसके आगे मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही मानी जाएगी? अब है ये क्वेश्चन मार्क हटा दो, स्टेटमेंट सही हो जाएगी, लेकिन बस यही लिख दो मैं एक अच्छा आदमी हूं, आगे क्वेश्चन मार्क, अब पता नहीं हूं भी नहीं हूं, संदेह आ गया कि नहीं आ गया। यानी जो आप डाटा देंगे वो डाटा कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। तो ये वो फीचर हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने ही होने चाहिए। पहला क्या था आपका, अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा है रेलेवेंस, तीसरा है रिलायबिलिटी, और लास्ट क्या है आपका, कंप्लीटनेस। तो बेटा इसी के साथ आपका ये यूनिट यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, ये यूनिट यहीं पे आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो MCQ हैं, जो आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है, हम अगली क्लास में इसको सॉल्व करवाएंगे। बाकी क्लास कैसी लगी, ये यूनिट 1 यूनिट 2 आपका कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करें। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।